तो कल हरियाली अमावस है और कल रहेगा, कौन कौन से रोड बंद रहेंगे ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। किस रोड से आपको जाना है, किस रोड से नहीं जाना है, तो आपको बता दें मल्लातलई का सज्जनगढ़ जाड़ोल मार्ग जो है वो जो राणा जी चौराहे से बंद हो जाएगा। और कल भी हो सकता है कि मौसम ऐसा लग रहा है कि बरसात कल भी होती रहेगी। हरियाली अमावस का मेला बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है उदयपुर के लिए। कल पुरुष और महिला सभी का सामूहिक रहेगा और परसों जो है सिर्फ महिलाओं का मेला रहेगा। ये मेवाड़ की एक ऐसी पद्धति है, ऐसा मेला है जो कि कलांतर से यही होता आया है। एक दिन पुरुष, एक दिन महिलाएं, बहुत ही संस्कृति के हिसाब से भी ये कितना विचारणीय ये मेला है। संस्कृति बनी रहे, सखियाँ सखिया के साथ आए, लेकिन पुरुष और महिलाओं का जो है सामूहिक मेला रहता है, ये बहुत ही बड़ी बात है। उदयपुर के ये सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील का ये खूबसूरत दृश्य है, अभी अभी का कल मेला रहने वाला है। बहुत देर लगने की यहाँ जगह नहीं होगी, बड़ी संख्या में मेलार्थी आते हैं, गांवों से, शहरों से, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। हालांकि सुबह से लगाकर 4 बजे तक हम देखें तो ग्रामीणों की ज़बरदस्त यहां पर भीड़ रहती है। उसके बाद में 4 बजे के बाद में नगरवासी, शहरवासी जो है वो आते थे। उसके बाद में रात की 11 बजे तक ये मेला चलते चलता रहता, 11 से 12 बजे तक भी चलता रहता है। तो आप देख पा रहे हैं अभी के ताज़ा दृश्य है, जो कि मेले की संपूर्ण तैयारी जो है लगभग हो चुकी है और पूरा मेला है। कल क्या कुछ टिकट लगने वाला है उसके बारे में भी हम आपको कल बताने वाले हैं और सब हाउसफुल रहेंगे। तो कल थोड़े तांगे वाले आपको बहुत कम दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ भीड़ इतनी हो जाएगी कि पैर रखने की जगह यहाँ नहीं मिलने वाली है। जयपुर का यह सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील है जो आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल खुला खुला देख पा रहे हैं, लेकिन अभी कल आपको सुबह 7 बजे से यहाँ पर बिल्कुल पैर रखने की गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब बंद कर दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी वाहन, एम्बुलेंस एवं पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद रहेगी, मेला प्रशासन की गाड़ियाँ, नगर निगम की गाड़ियाँ मौजूद रहेगी, बाकी सारी गाड़ियाँ यहाँ से जो है चली जाएगी। मौसम जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, कल ऐसा ही मौसम रहा तो हरियाली अमावस का ये मेला और भी शानदार होगा, और भी मज़ेदार होगा, रोमांचक मेला होगा, लोग खूब यहाँ पर ख़रीदारी करेंगे। तो दोस्तों मेले का इंतज़ार बस कुछ ही घंटे रहे हैं, आप और हम सभी मेले के एक एक झलक मेरे इस YouTube चैनल को देख पाएंगे। तो देखिए अभी से ही तैयारियाँ हैं, आगे मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार की मेले की जो है वो तैयारियाँ चल रही है, लोगों ने क्या कुछ स्टॉल लगाए हैं, क्या कुछ कल लोग बनाने वाले हैं, ये भी कल हम वीडियो में देखने वाले हैं। फिलहाल तो देखो कितनी भीड़ है, यहाँ गाड़ी चलाना भी एक तरह से मुश्किल है, लेकिन मुश्किलों की चुनौतियों से चुनौती लेना तो हमारे पत्रकार साथियों का कर्तव्य है, चुनौतियों का सामना करें, कष्ट का सामना करें। इस प्रकार से यहाँ गाड़ियाँ अभी हो रही है, बरसात तेज़ हो सकती है, इससे पहले बरसात बन से हमें सुरक्षित इस बात पर पहुँचना है और अपने खेतने को भी बचाना है, स्वयं को भी बचाना है। बाद में सत्र भी आपको देखने को मिलेगी, बरसात काफ़ी तेज हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है बरसात अभी तक तेज है, आगे तेज के साथ बने रहे। कल की हम आपको दिखाने वाले हैं।
तो देखिए मेले के साथ साथ दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं। मेला कल होना है और तैयारी आज ही हो गई है। तो मेले के यहाँ पर आपको कल पैर देने की जगह नहीं मिलेगी क्योंकि यूआई के सर्कल में ज़्यादा रहती है। मेला के देखिए अपनी तैयारी कर रहे हैं काफ़ी वैरायटी में। कल भी मैंने बताया था कि काफ़ी वैरायटी में देखिए अपनी बार बहुत सारी नई वैरायटी हर साल नई वैरायटी आती रहती है। मेला आरती कुछ नया करके अभी स्टोले लग रही है, स्टोरे लग जाएगी, कुछ पैक है कुछ मुफ्त में है। कल दिखाई देगा जलेबी कचौड़ियाँ कई प्रकार के खाने पीने के आएगा। घर को सजावट के छोटे बच्चों के लिए खिलौने कुल मिलाकर मेला जो है ये हमेशा नगरवासी इसका इंतजार करते हैं। मेले का मेला आएगा सब सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर रहेगी, इसे अलाउमेंट होता रहेगा। डॉलर यहाँ पर आ चुकी है। मिलाकर मेला जो है और मार्केट को बना देंगे। हर वर्ष की बात नहीं हरियाली और तैयार डॉलर तैयार हो रही है।